ये हैं नीलम आहूजा, जिन्होंने 1997 में बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। आज नीलम आहूजा बापूजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। ये मानती हैं कि इनका जीवन बापूजी की कृपा की ही देन है। आज से 10-12 साल पहले मैं इलाहाबाद गई थी, और भी साधक भाई थे, मेरा परिवार भी था। 4-व्हीलर गाड़ी से हम लोग जा रहे थे बाबूजी का सत्संग सुनने के लिए। तो क्रॉसिंग पे गाड़ी रुकी, 4 गाड़ी हमारे आगे थी, 4 गाड़ी पीछे थी। हम लोग रुके हुए थे, जब तक हमको रास्ता मिले, सामने से हमने देखा कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से चली आ रही है। वो बड़ा सा ट्रक था और वो कंट्रोल में नहीं था, और वो सीधे हमारी गाड़ी की तरफ चलती चली आ रही थी। हम लोग डर गए, घबरा गए, लेकिन हम निकल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे इस तरफ भी बहुत सारे बाइक्स और साइकिल्स खड़ी हुई थी। सामने बापूजी का बहुत बड़ा होल्डिंग लगा हुआ था, बापूजी का नाम लिया। जब तक हम सोच ही रहे थे, बापूजी का नाम जप ही रहे थे, वो ट्रक आके धड़ाम से हमारी गाड़ी से टकराया। गाड़ी हमारी बिल्कुल शीशे वीशे टूट गए, गाड़ी पिचक गई। सब ने एक दूसरे को देखा और हम लोग मुस्कुरा पड़े, क्योंकि हम सब सुरक्षित थे। गाड़ी तो डैमेज हो चुकी थी, पूरी गाड़ी डैमेज हो चुकी। लोग वहाँ के घबरा गए थे कि शायद इस गाड़ी में अब कोई बचा नहीं होगा। उस समय हम लोग कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं गए, हम लोग बापूजी के सत्संग में गए और हम लोग बापूजी से ये जिक्र भी किया, तो बापू मुस्कुरा दिए और आशीर्वाद दिया। तो उस दिन वाकई ये लगा कि बापू हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ हैं। तो ऐसे कई अनुभव साधकों के सुने थे, तो हमें विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब हमारे साथ घटित हुआ तब मुझे लगा कि वाकई वाह, क्या बापू, आपकी तो लीला अपरंपार है।